बच्चों अपन शुरू करते हैं सर्जरी का अगला चैप्टर है वुंड। घाव किसे कहते हैं? घाव किसे कहते हैं? वुंड किसे कहते हैं? घाव किसे कहते हैं? घाव होता है किसी शरीर की स्किन का डिसकंटिन्यूटी हो जाना, है ना, मतलब स्किन की निरंतरता का टूट जाना, है ना, स्किन की त्वचा की निरंतरता का टूट जाना वो क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। शरीर पर कहीं भी शरीर पर यदि उसकी निरंतरता टूटी हुई है तो वो क्या कहलाती है? घाव कहलाते हैं। घाव दो तरह का होता है ना, घाव दो तरह का होता है, यदि वो ओपन खुला हुआ घाव भी हो सकता है और वो बंद घाव भी हो सकता है, है ना, खुला घाव भी हो सकता है और बंद घाव भी हो सकता है, खुला और बंद घाव, है ना, खुला घाव भी हो सकता है वो और वो बंद घाव भी हो सकता है। बंद घाव होता है वो कैसे होता है? कॉन्ट्यूजन फ्रैक्चर, वो कॉन्ट्यूजन घाव होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्यूजन कॉन्ट्यूजन वुंड होता है ना, कॉन्ट्यूजन वुंड होता है, बंद घाव होता है। बंद घाव आपने देखा होगा जब किसी लाठी से जोर से चोट लग जाती है, लाठी से चोट लग जाती है, कहीं पर गिर जाते हो, लाठी से चोट लग जाती है, गिर जाते हो, तो उस स्थान पर क्या होता है? अंदर लील पड़ जाती है, है ना, लील पड़ जाती है, अंदर की तरफ लाल लाल हो जाता है, बाहर खून नहीं निकलता है, बाहर खून नहीं निकलता है, लेकिन अंदर होता है वो लाल लाल पड़ जाता है, नीला नीला हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं बंद घाव। अंदर की त्वचा होती है वो टूट जाती है, लेकिन बाहर की त्वचा होती है वो सेम वैसी वैसी रहती है, तो उसे बोलते हैं बंद घाव। खुला घाव किसे कहते हैं? खुले घाव के अंदर क्या होता है? स्किन होती है वो टूट जाती है, स्किन टूट जाती है, घाव हो जाता है, जिससे ब्लड होता है बाहर निकलने लग जाता है, खून बाहर निकलने लग जाता है, है ना, वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? खुला घाव कहलाता है। खुला घाव कई तरह का होता है, है ना, खुला घाव कई तरह का होता है, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ आपको, इंसीजन फ्रैक्चर, है ना, इंसीजन फ्रैक्चर किसी भी धारदार पैनी, है ना, हथियार से होता है। इंसीजन फ्रैक्चर जैसे स्केलपल सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के दौरान होने वाला फ्रैक्चर इंसीजन फ्रैक्चर होता है, है ना। दूसरा होता है एवरेजन फ्रैक्चर, तो खुला घाव क्या होता है? खुला घाव अलग अलग तरह का होता है, जैसे इंसीजन फ्रैक्चर, है ना, किसी भी धारदार पैनी हथियार से होता है, जैसे सर्जरी करते हैं स्केलपल की सहायता से, इंसीजन फ्रैक्चर। एवरेजन फ्रैक्चर दीवार पर रगड़ लग जाती है, दीवार पर रगड़ लग जाती है, उससे द्वारा होने वाला फ्रैक्चर एवरेजन फ्रैक्चर। लैसरेटेड फ्रैक्चर, लैसरेटेड फ्रैक्चर होता है किसी भी तार के द्वारा, खेतों में तार लगे होते हैं उसके साइड में होकर चलते हैं, चलने से जो रगड़ लग जाती है, तार की रगड़ लग जाती है, वो होने वाला फ्रैक्चर लैसरेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। सेप्टिक फ्रैक्चर, है ना, सेप्टिक फ्रैक्चर, कंटामिनेटेड फ्रैक्चर, सेप्टिक फ्रैक्चर, कंटामिनेटेड फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, कंटामिनेटेड फ्रैक्चर, मिट्टी धूल लग गई हो, कंटामिनेटेड फ्रैक्चर होते हैं। सेप्टिक फ्रैक्चर जिसमें बैक्टीरियल का इन्फेस्टेशन हो गया हो वो कहलाता है सेप्टिक फ्रैक्चर, या इन्फेक्टेड फ्रैक्चर जिसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो पैदा हो गए हो, 10-15 दिन एक महीना हो गया किसी घाव को, तो वो क्या कहलाता है? इन्फेक्टेड फ्रैक्चर, सेप्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। और वो 5-7 दिन का हो तो वो कंटामिनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है, जिसके अंदर माटी धूल लग गई हो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पैदा नहीं हुए हो, तो वो क्या कहलाता है? कंटामिनेटेड फ्रैक्चर, है ना। तो ये क्या अलग अलग तरह के फ्रैक्चर होते हैं, लैसरेटेड फ्रैक्चर होता है ना, लैसरेटेड फ्रैक्चर, एवरेजन फ्रैक्चर क्या होता है? एवरेजन एवरेजन घाव, एवरेजन घाव, एवरेजन वन लैसरेटेड वन लैसरेटेड वन। तीसरा होता है इंसीजन, इंसीजन वुंड, इंसीजन वुंड, एवरेजन वुंड किसी दीवार पर रगड़ से होने वाला घाव
होता है वो एवरेज वुंड कहलाता है। लेसरेटेड वुंड किसी तार के द्वारा रगड़ने से होने वाला वुंड होता है वो लेसरेटेड। इंसीजन वुंड किसी धारदार पेन या हथियार से होता है तो इंसीजन वुंड। चौथा होता है गन शॉट, गन शॉट वुंड, गन गन बंदूक की गोली से होने वाला घाव क्या कहलाता है तो गन शॉट वुंड कहलाता है। बंदूक की गोली से होने वाला घाव वो क्या कहलाता है गन शॉट वुंड कहलाता है। गन शॉट वुंड की क्या क्वालिटी होती है कि जब गोली एंटर करती है, जब गोली एंटर करती है प्रवेश करती है तो उसकी ओपनिंग होती है वो छोटी होती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो अंदर से चौड़ा करती जाती है ना। एंट्रिंग होती है वो छोटी होती है और अंदर वो घाव ज़्यादा होता है, तो ये इसकी क्वालिटी होती है। एग्जिट होता है वो ज़्यादा होता है, गन शॉट वुंड होता है ना। लैसरेटेड वुंड, इंसिजन वुंड, कंटामिनेटेड वुंड क्या होता है कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड वुंड जो 5-7 दिन का हो गया हो, मिट्टी में गोबर मिट्टी लग गई हो, वो वुंड क्या कहलाता है कंटामिनेटेड वुंड कहलाता है। छठा वुंड होता है इन्फेक्टेड वुंड, इन्फेक्टेड वुंड, इन्फेक्टेड वुंड जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो ना, इन्फेक्टेड वुंड कहलाता है ना। जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी फंजाई वंजाई लगे हो इन्फेक्टेड वुंड कहलाता है। एक होता है पंचर्ड वुंड, पंचर्ड वुंड, पंचर्ड वुंड होती है कैविटी है ना, कोई भी कैविटी को प्रवेश पेट के अंदर कोई भी छुरा घोंप दिया, छुरा घोंप दिया पेट के अंदर कोई भी कोई छुरा घोंप दिया कैविटी के अंदर है ना, एब्डोमिनल कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर घोंप दिया है ना, तो वो क्या कहलाता है पंचर्ड वुंड होता है ना। पेनेट्रेटेड वुंड, एक होता है पेनेट्रेटेड वुंड होता है कोई भी नुकीला या है ना मोटा धारदार हथियार है उसको पेनेट्रेट कर देते हैं, अंदर की तरफ घुसा देते हैं कहीं भी है ना, वो कोई भी जगह घुसा सकता है, पेनेट्रेट वुंड होता है ना, पेनेट्रेट वुंड जिसे पेनेट्रेट वुंड लगता है। एक होता है सेप्टिक वुंड, ऐसा होता है सेप्टिक, सेप्टिक वुंड वही जिसका कंटामिनेशन हो गया हो है ना, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया हो सेप्टिक वुंड कहलाता है। तो ये क्या अलग अलग तरह के वुंड है, ये क्या अलग अलग तरह के वुंड है, पहला ओपन खुला घाव, दूसरा बंद घाव। बंद घाव होता है कॉन्ट्यूजन घाव होता है जिसके अंदर नील पड़ जाती है, ब्लू लाइन पड़ जाती है कॉन्ट्यूजन घाव। खुला घाव अलग अलग तरह का होता है, एवरेजन वुंड जैसे किसी दीवार पर अगर से होता है, तार की से रगड़ लग जाती है उससे होता है। इंसीजन वुंड किसी धारदार पेन या हथियार से होता है। गन शॉट वुंड बंदूक की गोली से होने वाला घाव। कंटामिनेटेड ऐसा घाव जो 5-7 दिन का हो गया हो है ना, जिसमें किसी बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन नहीं हो लेकिन मिट्टी गोबर लग गया हो। इन्फेक्टेड वुंड जिसके अंदर क्या होता है इन्फेक्शन हो गया हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पैदा हुए हो, बैक्टीरिया वायरस लगे हो। पेनेट्रेट वुंड किसी भी धारदार मोटे हथियार से उसको पेनेट्रेट कर देना किसी घाव हो जाता है ना, किसी भी जगह बॉडी के किसी भी पार्ट पर पेनेट्रेट होता है। पंचर्ड वुंड कोई भी कैविटी होती है, बॉडी की कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी के अंदर पंचर्ड कर देता है, तो वो क्या होते हैं पंचर्ड वुंड। जो खोले खोखले ऑर्गन होते हैं, खोखले ऑर्गन होते हैं वहाँ पर घाव हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है पंचर्ड वुंड कहलाता है। जैसे आप बोलते हो कि साइकिल पंचर हो गई है ना, पंचर हो गई, पंचर्ड वुंड है ना, तो खोखले ऑर्गन होते हैं उनके पंचर हो जाता है ना। ये क्या है अलग अलग तरह के वुंड है ना। वुंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, वुंड का ट्रीटमेंट होता है उसको ओपन एंड ड्रेनेज है ना। सबसे पहले किसी भी वुंड है उसको क्या है, जो जैसे बहुत दिन हो गए क्रॉनिक वुंड है, क्रॉनिक वुंड है तो उसे किसके अक्यूट के अंदर बदलो, अक्यूट के अंदर बदलने के लिए उसे क्या बार बार साफ करो है ना, लाल दवा के द्वारा साफ करो है ना, लाल दवा पोविडियन आयोडीन लगाओ जिससे वो क्या है किसके अंदर एक्यूट के अंदर बदल जाए। एक्यूट के अंदर बदलने के बाद उसके अंदर घाव को भरने के वाले इंजेक्शन लगा दो,
जैसे बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से है ना सपोरेटिव ट्रीटमेंट दे दो, बार बार उनकी ड्रेसिंग करते रहो। तो ये क्या है, गांव का ट्रीटमेंट है।